अच्छा जैद हामिद साहब, भारत के वाले से आपसे बात कर लेते हैं। भारत जंग तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसकी जानिब से एलओसी की बार बार खिलाफ वर्जी की जाती है, किस तरह से काबू पाया जाए भारत पे? देखिए अहमद, आपकी इस बात से मैं इख्तलाफ करूंगा कि भारत जंग नहीं चाहता। अगर भारत जंग नहीं चाहता तो 1,00,000 पाकिस्तानी फिर कहां शहीद हो गए, उनको किसने शहीद कर दिया? बात यह है कि आज जंग का पहलू तब्दील हो गया है, उसकी तशरीह तब्दील हो गई है। पहले जो सरहदों पर जंग होती थी, अब फिफ्थ जनरेशन वॉर है। अब तो पाकिस्तान का एक एक मीडिया एंकर और एनालिस्ट फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात कर रहा है, जो 10 साल से हम चीख रहे थे कि पहले फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन पे हम चले गए, अब तो अंधों को भी नजर आ रहा है। अब हमारे एनालिस्ट को, हमारे मीडिया को, हमारी जुडिशरी को, गवर्नमेंट को यह समझना चाहिए कि अब जो जंगें होती हैं वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंसर्जेंट्स नॉन स्टेट वायलेंट एक्टर्स के जरिए है, अर्बन वॉर है, शहरों में होती हैं, मस्जिदों में होती हैं, घरों में होती हैं। ये जंगें अब हमारे शहरों में लड़ी जा रही हैं। लिहाजा ये कहना कि भारत जंग नहीं चाहता, भारत का मकसद वही है जो ईस्ट पाकिस्तान में था, कि पहले सिविल वॉर और अनार्की इतनी कर दी जाए कि इसके बाद इतनी फौजें लेके वो अंदर दाखिल हो जाए। अल्लाह का फजल है कि ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं था, हमने पाक फौज ने यहां पर रिकवर किया, ग्राउंड गेन किया। लेकिन हम मीडिया में मार खा रहे हैं, हम इकोनॉमी में मार खा रहे हैं। ये दो जगहें हैं कि जहां पर दुश्मन देख रहा है कि पाकिस्तान का कोलैप्स मुमकिन है, आने वाले वक्तों में बहुत मुश्किल हालात आने वाले हैं। माशी तौर पर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे, ब्लैकआउट, बिजली की लोड शेडिंग 22 घंटे होने का अंदेशा है। इंडिया इस पर प्लान कर रहा है। ये ना कहिए कि इंडिया जंग नहीं चाहता, इंडिया तो जो कुछ कर रहा है वो अखंड भारत बनाने के लिए कर रहा है। हम इतने अहमक नहीं हो सकते कि इस खतरे को इग्नोर करें। अच्छा जैद हामिद साहब, ये बताइएगा जो कुलभूषण जाधव का केस पाकिस्तान लड़ रहा है, आप उससे मुतमईन है? क्योंकि कुलभूषण तो एक सबूत है भारत के मकरू चेहरे का, और दूसरी जानब अगर भारत की बात की जाए तो वो एक कबूतर पकड़ के पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करते फिरते हैं। देखिए अहमद, कुलभूषण के मामले पे नवाज शरीफ ने गद्दारी तो कर दी है, यू नो दैट। इसने आज तक कुलभूषण का नाम नहीं लिया, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट में ले गए जाके। लेकिन मुझे परेशानी इसलिए नहीं है कि कुलभूषण कभी रिहा नहीं हो सकता, जो मर्जी होता रहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यह सड़ेगा हमारी जेल में, और एक वक्त आएगा जब हमारा दिल चाहेगा हम इसको निकालकर फांसी चढ़ा देंगे। आईसीजे के फैसले के खिलाफ भी आप चले जाएं तो कोई इंटरनेशनल प्रेशर आप पर नहीं आएगा। एक कातिल, एक डाकू, एक दहशतगर्द एक स्टैब्लिश्ड है, दुनिया की हमदर्दियां हमारे साथ हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आईसीजे में क्या हो रहा है। कुलभूषण रिहा नहीं हो रहा, फिक्र ना करें, वो यही रहेगा इंशाल्लाह। सही। जैद हामिद साहब, अली जहांगीर सदीकी जो है उनको सफीर तैनात किया गया है अमेरिका में पाकिस्तान का, इतने जो सेंसिटिव मौका है ये, आपको पता है अली जहांगीर सदीकी साहब जो है ये पहले मौवन वजीर आजम थे और एयर ब्लू में भी इनके कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, तो उसकी वजह से आप क्या किस तरह से देखते हैं इस तैनाती को? देखिये ये तैनाती एक और हुसैन हक्कानी की है। आप हुसैन हक्कानी का मेमोगेट आज तक भुगत रहे हैं, ब्लैक वाटर्स को अभी तक भुगत रहे हैं, सैकड़ों हजारों सीआईए के खुफिया वीजों को अभी तक भुगत रहे हैं, जो खुरेजी मुल्क में हो रही है रेमंड डेविसेस को, जिनको हुसैन हक्कानी ने वीजे दिए थे। ये एक दूसरी अपॉइंटमेंट है। लिहाजा मुझे अच्छी तरह यकीन है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई और इवन सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगी। सही। जैद हामिद साहब, एक तरफ तो डू मोर का मुतालबा किया जाता है अमेरिका की जानिब से, दूसरा फिर यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान से बातचीत का अमल हम जारी रखेंगे, बातचीत के जरिए जो है वो मसाइल को हल करेंगे, तो ये पॉलिसी किस तरह की दोगली पॉलिसी है अमेरिका की जानिब से अपनाई जा रही है? और पाकिस्तान में आप देख क्या समझते हैं कि जो दफ्तर खारजा है उसमें कोई कमी महसूस करते हैं आप, क्योंकि 4.5 साल तो हमारे पास वजीर खारजा ही नहीं थे? देखिए दफ्तर खारजा तो है ही नहीं, लिहाजा उसकी तो बात ही ना करें। जहां तक अमेरिकन डूमोर की बात है, देखिए जब से ट्रंप ने ट्वीट की है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने, आईएसआई ने स्ट्रांग स्टैंड लिया है अमेरिका के खिलाफ, उसके बाद अमेरिका का लहजा बदल गया है। अमेरिकन ये समझ गए कि अब वो पाकिस्तान पर जबरदस्ती और सख्ती नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है पाकिस्तान से, अब आके दरखास्त की है कि अच्छा हम आपकी खातिर, आपके लिए टीटीपी के दहशतगर्दों को हलाक करते हैं अफगानिस्तान में, आप हुसैन, आप ये जो हक्कानी नेटवर्क है जलालुद्दीन हक्कानी का, इनसे कहें कि हमसे बात करें, अफगान तालिबान से कहें कि हमसे बात करें, आप सुलह करवा दें। अमेरिकन चाहते हैं कि उनको एक फेस सेविंग एग्जिट मिल जाए अफगानिस्तान में। सच्ची बात है कि वो हम दे ही नहीं सकते, जो जिल्लत और रुसवाई उनको खुद उनकी अपनी हिमाकतों और जहालतों की वजह से हुई है, पाकिस्तान उसकी अब फेस सेविंग नहीं कर सकता।
लिहाजा उनको भी पता है अमेरिकन्स को कि अगर पाकिस्तान चाहे तो उनको अफगानिस्तान में दफन कर सकता है। अमेरिकन्स इस वक्त टीटीपी को एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत दबाव डाला अमेरिकन्स पे कि टीटीपी को आप खत्म करें क्योंकि उनके बेसिस अफगानिस्तान में। अभी दो रोज पहले उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक किए जिसमें फजलुल्लाह का बेटा भी मारा गया, 20-22 सुसाइड बॉम्बर मारे गए। लेकिन अमेरिकन अफगानिस्तान में दाइश क्रिएट कर रहे हैं, पूरे मिडल ईस्ट से अमेरिकन सीआईए के प्लेन दाइश को लेकर आ रहे हैं और तोरा बोरा के इलाकों में इनको रखा जा रहा है ताकि इन्होंने पाकिस्तान पर इस गर्मियों में हमला करना है। इनका पहला हमला पाराचिनार पे होगा ताकि शिया सुन्नी जंग भी भड़काई जा सके, ताकि ईरान को बीच में दाखिल किया जा सके, ताकि पाकिस्तान में उस एक्सिस के ऊपर फिरका वाराना जंगें कराई जाएं जैसे ये शाम में करवा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम का मोहतात होने की जरूरत है। अमेरिका पर एतबार मत कीजिए, ये इस वक्त टीटीपी को जरूर एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने दबाव बहुत डाला इन पर। लेकिन टीटीपी वैसे ही खत्म हो चुकी थी, उसके से थोड़े से बेसिस रह गए थे, चंद एक उसके लीडर था जो छुपे हुए हैं, उनको ये एलिमिनेट कर देंगे, कर भी देंगे। लेकिन जो टीटीपी के सैकड़ों टेररिस्ट थे उन सबको इन्होंने दाइश में शामिल कर दिया है और मिडल ईस्ट से और भी और सेंट्रल एशिया से दाइश के और एलिमेंट्स को लेकर आए, ये तकरीबन कई हजार बन गए। और आने वाले वक्तों में अब हमको दाइश से लड़ना पड़ेगा, अब अमेरिकन सीआईए और रॉ इनको निंगरार से अफगानिस्तान से हमारी तरफ भेजेगी। सो अब नई फेज है जंग की जो शुरू होने जा रही है, जब तक हम अफगानिस्तान जाके इनको नहीं मारेंगे ये आते रहेंगे हमारे ऊपर, तैयारी कर लें, इस समर में खतरनाक मामला होगा। सही जैद आमिर साहब, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अक्वामे मुत्तहिदा की जो मुस्तकिल मंदूब है अफगानिस्तान के लिए, उन्होंने तालिबान को बराह रास्त बातचीत के लिए भी पेशकश की है, इस इकदाम को किस तरह से देखते हैं, क्या मामला हल पाएंगे इस तरह की बातचीत से? मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूं कि देखिए तालिबान अफगानिस्तान की एक हकीकत है, आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, अमेरिकन 17 साल में उन्हें खत्म नहीं कर सके। 40-50% अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है, तालिबान कौन है? अफगानिस्तान के पश्तूनों की नुमाइंदगी करते हैं और इसीलिए आप इनका दफ्तर कतर में भी कायम है, इनका दफ्तर तुर्की में भी कायम है, अब पूरी दुनिया की ताकतें इनसे बात कर रही है, ईरान भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। और अमेरिकन ने पाकिस्तान से कहा है कि आप तालिबान से बात करें ताकि ये बातचीत करने के लिए आए। बात यह है कि तालिबान आ भी जाएंगे, ये जो इस वक्त तापी गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तालिबान ने इसकी हिमायत की है, यानी पहली दफा हुआ है। खुद अमेरिकन हैरान हो गए इस बात में कि तालिबान ने टापी गैस पाइपलाइन की हिमायत कैसे कर दी। तो बात यह कि तालिबान खुद चाहते हैं कि अब वो उनका भी एक पॉलिटिकल रोल हो, लेकिन अमेरिकन के होते हुए वो कुछ कबूल नहीं करेंगे। एक अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानियों की हुकूमत बननी है तो उसमें अमेरिकन का कोई रोल नहीं है, अमेरिकन को निकलना पड़ेगा, जिस तरह ये वियतनाम से जलीलो ख्वार होकर निकले थे, बेहतर है पहले निकल जाए वरना अल्लाह तक जूते मार के अफगान भी निकालेंगे और हम भी इनको दफा करेंगे यहां से। सही जैद हामिद साहब, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस की जो हालिया रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में उसमें कमी आई है, और दूसरी जानिब जो है वो अमरीका जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो वॉच लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम डलवाने की जो कोशिश कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं मामला अमरीका की जानिब से खेला जा रहा? मैंने आपसे यही अर्ज किया था ना कि अमेरिकन ये डिप्लोमेसी, जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आप करते हैं तो आप एक तरफ से आप दबाव डालते हैं, दूसरी तरफ से आप कंसेशन देते हैं, ये चलता है, गुड कॉप बैड कॉप आप खेलते हैं हमेशा। बात ये है कि हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि अमेरिकन प्रेशर कितना डाल रहे हैं, अमेरिकन के पास लिवरेज है ही नहीं, लिवरेज हमारे पास है, हम चाहें तो अमरीकियों को दफन कर सकते हैं, अमरीकी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब मोहल्ले का जो गुंडा है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है चाइना, अब चाइना का पूरा वजन हमारे साथ है, चाइना की शहरत पाकिस्तान से गुजर रही है, लिहाजा अमेरिकन को भी पता है, दुनिया को पता है, रूस इसीलिए अब हमारे साथ आके स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहा है। अब जब रूस और चाइना आपके साथ खड़े हो, तुर्की आपके साथ खड़ा है और आप खुद एक न्यूक्लियर पावर है, तो अमरीका उल्टा भी लटक जाए अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं कर सकता, उसने करके देख लिया और आप भी देख चुके हैं कि अब वो पीछे हट रहा है, हमारा हमला करने की बारी है, वो वक्त गुजर गया 9/11 के बाद का, अब ये वो टाइम नहीं है। जैद हामिद साहब, अभी आपने गुफ्तगू की चाइना के हवाले से, चाइना पाकिस्तान का दोस्त है और रशिया भी पाकिस्तान के साथ अलायंस करने जा रहा है, और टर्की के हवाले से आपने बात की, लेकिन मैं अभी आपसे चाइना के हवाले से क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। शारक के हवाले से आपने बात की, इस शारक से पाकिस्तान को कोई बड़ा और अच्छा फायदा होने जा रहा है आपके ख्याल में? अहमद देखिए, ये तो उन शराइत पे तय करेगा कि जो हम चाइना के साथ करते हैं। चाइना हमारा दोस्त है लेकिन उससे पहले वो चाइनीज हैं, उससे पहले वो बिजनेसमैन है। अगर पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ्फुज़ नहीं करेगा तो वो आके पूरा पाकिस्तान खरीद लेंगे, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर सीपैक अथॉरिटी बनाएं,
हम शराइत इक्वालिटी पर तय करें, जॉइंट वेंचर्स करें, बिजनेस पार्टनरशिप करें, पाकिस्तान के मफादात का दिफा करें, तो फिर हम पाकिस्तान भी बेनिफिट करेगा। नवाज पाकिस्तान के मफादात के तहफुजात की आपने बात की, ये बता दीजिएगा जरा हमारे नाजरीन को किसकी जिम्मेदारी है और ये तहफुजात का ख्याल हम ठीक तरीके से कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर तो सात बार था, जब मनी लॉन्डरर पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर हो तो वो हमारे मफादात का तहफुज कैसे करेगा। सीपैक के हवाले से जरूरी है कि एक सीपैक अथॉरिटी बनाई जाए, एक पावरफुल बॉडी जिसमें पाकिस्तान आर्मी के, आईएसआई के, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री, एफबीआर, हमारे बड़े बड़े इदारों की रिप्रेजेंटेशन हो और यह शराइत तय करें कि चाइना से क्या डील्स करनी है। इस वक्त चाइनीज आके पूरा मुल्क खरीद रहे हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज वो खरीद चुके हैं, कराची इलेक्ट्रिक वो खरीद चुके हैं, पोर्ट कासिम का हिस्सा ले चुके हैं, इस वक्त वो जिस तरह पैसा डाल रहे हैं पूरा पाकिस्तान वो खरीद के ले जाएंगे और हम सिर्फ उनके वर्कर और कारीगर रह जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली जो टर्म ग्वादर पोर्ट की भी हैं वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, उनको रीएंगेज करने की जरूरत है, रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। सर सीरिया का जो मसला चल रहा है आपने देखा, मासूम बच्चों की जानें चली जाती हैं, बहुत दुख होता है जब फुटेजेस वगैरह देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं इंटरनेट वगैरह पे, क्यों उम्मत मुसलमा खामोश है? सीरिया के मसले का हल जो है वो किस तरह से समझते हैं आप, कैसे हल होगा ये मामला? देखिए अहमद, सीरिया में तीन बड़े मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, वहां सऊदी अरब भी लड़ रहा है, उसके साथ बाकी अरब ममालिक है मिस्र और उर्दन भी, वहां पर ईरान भी लड़ रहा है और वहां तुर्की भी लड़ रहा है, और बीच में शाम के मुसलमान मारे जा रहे हैं। और ये तीनों इस वक्त हालत ये हो गई कि आपने देखा कि सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ भी एक उनको एक्सेस ऑफ ईविल का खिताब दे दिया, ईरान को तो पहले ही कहते थे वो, यानी इस वक्त तुर्कों में, फारसियों में और अरबियों में अस्तगफुरुल्लाह जमाने जाहिलियत वाली जंगें शुरू हो गई हैं। इस सारे मामलात में किसी को तो इनको बिठाना है बीच में, और ये काम सिवाय पाकिस्तान के कोई नहीं कर सकता। हमारे सऊदियों से अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्क हमारे भाई हैं, ईरानी हमारे हमसाए हैं, इनको हम बिठा सकते हैं, इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। सर हमारे तो अपने अंदरूनी मसाइल नहीं खत्म हो रहे, तो हम इनको कैसे बिठा के इंटरनेशनल मसला सॉल्व करेंगे? देखिए जिंदा कौमें सारे काम एक साथ करती हैं, अंदरूनी मसाइल भी हल करती हैं, बाहर के भी करती हैं, हाथ पांव तोड़ के नहीं बैठ जाती कि हमारे अंदर के मसले हल नहीं है तो हम बाहर क्या करें। पाकिस्तान बना भी नहीं था उस वक्त, कायदे आजम और अल्लामा इकबाल मसले फलस्तीन पर, इंडोनेशिया पर, उम्मत के मसाइल के ऊपर खुलकर बयानात दिया करते थे, अंग्रेज हुकूमत को थ्रेट किया करते थे। सऊदी अरेबिया में 20 लाख पाकिस्तानी है, मक्का और मदीना वहां पर है, वहां पे कुछ होगा तो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम भाड़ में नहीं बेच सकते। उम्मत मुस्लिम और तबाह बर्बाद होती है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारे वजूद का हिस्सा है। हम बने इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पे थे। पाक फौज को चाहिए कि अपनी एग्रेसिव मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए सऊदी अरब, ईरान और तुर्की को एक मेज पर इकट्ठा करें और टपक दें उनको, जिस तरह जनरल जियाउल्लाह ने दी थी जब उस वक्त उस दौर में कासाब्लांका की समिट उठा के देखें, जनरल जिया की किस तरह उन्होंने उस वक्त अरबों को टपट दी थी कि उन्होंने ईरान को निकाल दिया था, मिस्र को निकाल दिया था, मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद किया था उस वक्त पाकिस्तान ने।